जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज हमारे रीजनिंग के चैप्टर में आज कौन से हमारे प्रश्न बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे संख्या आधारित प्रश्न। संख्या आधारित प्रश्न देखेंगे, ये हमारे SSC में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने इन प्रश्नों को रखा है। आज हमारी श्रृंखला जो है इन्हीं प्रश्नों पर आधारित रहेगी। तो इसी तरीके का प्रश्न आज हम करवाएंगे आप लोगों को, और आप लोग इन्हें देखें और आप लोग इन्हें करने की कोशिश करें, देखते हैं आप लोग इन्हें कर पाते हैं या नहीं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारी मिलती रहें। तो देख लेते हैं आज का ये पहला प्रश्न, देख लेते हैं पहले प्रश्न में हमारा आज ये प्रश्न किस तरीके से बना हुआ है और इसमें क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हमें दो ये संख्या आधारित प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए एक है 40, 20 और 400। तो इसको हमें ऐसे करना है कि इसमें इन दोनों संख्याओं का हमें कुछ भी करें, आप चाहे मल्टीपल करें, चाहे एडिशन करें और चाहे भाग करें, किसी तरीके से आपको यहाँ पर 400 लेके आना है। इसी तरीके से आपको 18 और 20 में ऐसी कोई भी आप संख्या करें जिसको आप 78 यहाँ पर बना सकें। तो देखते हैं किस तरीके से आप लोग इसे बनाएंगे। तो देख लेते हैं हमने इसको किस तरीके से करना है हमको। तो देखिए यहाँ पर 40, 120 और 400, तो हमें 400 इन दोनों को बनाना है। कैसे बनाना है तो देख लेते हैं। यहाँ पर इसको ये वाली लाइन जो है यहाँ पर कर लेते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 40 लिखा है। अब इसको हम करेंगे प्लस और ब्रैकेट शुरू करेंगे 120 गुणे 3। तो अब कितना हमारा हो गया, 40 तो हमारा ये है ही, 12 3 36 कितना हो गया, 360 हो गया। अब इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 400 हमें मिल रहा है। तो हमें ये हमने इसको सिद्ध कर लिया है कि हमें इस तरीके से इसको करना है। अब देखते हैं यही रूल हमारा दूसरे में फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो जब तक दोनों ये संतुलित नहीं होंगी तब तक प्रश्न को हल नहीं माना जाएगा। तो देख लेते हैं हम इसको करके देखते हैं। तो 18 हमारे पास है, प्लस करेंगे। अब 20 में हमें कुछ भी अपने करना है तो जो वहाँ किया है वैसे यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 3 से हमने गुणा कर दिया। अब देखिए 18 ऐसे ही बना रहेगा और 20 का कितना होता है, 60 होता है ना। तो 60 और 18 कितना हो गया, 78। तो यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार 78 प्राप्त हो गया है। अब हम देखेंगे ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, इसको हम इसमें देखेंगे। तो अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए अगर हम 56 यहाँ से लेते हैं 56, तो 56 को जब हम लेंगे तो 14 कितना होता है, 14 होता है 42। 42 और 56 जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 और 8 98, तो टोटल 98 होगा, जबकि यहाँ पर 108 है। तो ये गलत हो गया, क्या है ऑप्शन हमारा दूसरा गलत है। अब देखें दूसरा है, तो दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, दूसरा ये भी गलत है। क्या बोलते हैं, 27 81। 81 में जब हम 25 जोड़ेंगे कितना बनेगा, तो 81 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो 81 और 5 85 और 2 तो हमारा 105। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, अगर यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी संख्या है और यहाँ पर छोटी संख्या है तो ये लाना बिल्कुल नो मतलब इम्पॉसिबल ही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। देखते हैं कैसे सही होगा, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं इसको। देखिए हमारे पास 29 दिया हुआ हमें है, 29 प्लस में रहेगा और 23 गुणे 3। अब 29 प्लस 23 है 69, 3 9 और 3 2 6, ठीक है। अब 9 9 18 8 और 6 2 8 1 9, क्या है 98। तो हमें 98 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों को संभवतः यह प्रश्न समझ में आया होगा, चले तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये हमारा श्रृंखला बेस पर आधारित है। क्या है, श्रृंखला बेस पर आधारित है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से हमारी सीरीज चली है, सीरीज को हम इसको पूरा करना है। तो हमें यहाँ पर एक्स का मान बताना है, तो यहाँ पर एक्स की जगह पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और आपके पास 5 सेकेंड हैं, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं या नहीं। तो आप लोगों के पास सेकेंड है, तब तक आप लोग इसे कीजिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य करते रहिएगा, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने दोस्त 5 दोस्तों के पास इसे शेयर अवश्य करना है। तो देख लेते हैं,
तो सम्भवता आपने कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं, देख लेते हैं इसमें किस तरीके से इस प्रश्न को करना होगा। तो अब हमें इसमें देखना है, तो चलते हैं देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, आप देखते हैं इसमें। तो इसकी हम सीरीज निकालते हैं, देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, पांच और दस में अंतर कितने का है, पांच का अंतर है, और दस और सत्रह में कितने का अंतर है, सात का अंतर है, और सत्रह और सैंतीस तो इसमें कितने का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है, सात में सात गया जीरो, और दो तीन में से दो गया सैंतीस, सैंतीस हाँ। तो यहाँ पर सात से सात गया जीरो बचा है, और तीन से एक गया दो बच गया बीस। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, तो अब सैंतीस से सैंतीस में से हमें पचास में से सैंतीस घटाना है, तो यहाँ पर तीन बचेगा, और तीन यहाँ पर बचा हमारा चार, चार में से तीन गया एक तेरह। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हमें यही मिला है। अब देखते हैं इसमें कितने का अंतर हुआ है, यहाँ पर फिर से निकाल लेते हैं। तो इसमें हमें अंतर मिला है दो का, कितने का अंतर है, दो का अंतर है। अब यहाँ पर कितना मिला है, तो यहाँ पर हमें मिला है तेरह का अंतर, तेरह, और यहाँ पर सात का, इस तरीके से मिला है। तो अब हम आगे यहाँ पर कैसे, अब कितना रखें, यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, तो आप बताएं, तो देखें कैसे और कितना यहाँ पर मिलेगा। तो संभवतः क्वेश्चन सैंतीस ही था, या कुछ गड़बड़ चल रहा है सीरीज में लग रही है, जरा थोड़ा कन्फर्म कर लेते हैं। एक संख्या छूट गई, एक संख्या छूटी है, थोड़ा एक मिनट रुक के तब काम करेंगे, क्योंकि तो डिस्टेंस इसका ज्यादा हो रहा था इसलिए गड़बड़ हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर 26 और 37, 50। अब देखिए यहाँ पर इसका इसके अंतर निकालेंगे, तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए पांच का है, यहाँ पर सात है, और अब यहाँ पर कितना होगा, 26 में से हम 16 से हम सात घटाएंगे, तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 9, और 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 37 में से 26 घटाना है, तो यहाँ पर हमारा एक और एक 11। अब 37 से 50 घटाना है, 50 में से 37 घटानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और एक 13। अब देखिए यहाँ पर कितने कितने अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर 2 का अंतर है, और यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का है, और यहाँ पर 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे, 13 2 15, तो यहाँ पर 15 का अंतर हो जाएगा, तो 15 हम 50 में कर देंगे प्लस, क्या करेंगे, 15 हम 50 में प्लस करेंगे, 15 हम प्लस 50 में प्लस कर देंगे, यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें, 65 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें 65 भरना है, कितना भरना है, 65। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी सही है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो आप लोग शेयर अवश्य करते रहिएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये हमारा 3 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे, ये भी संख्या आधारित क्वेश्चन है हमारे हैं, संख्या आधारित क्वेश्चन है, तो ये भी सीरीज का क्वेश्चन हमारा है। अब इसमें आप लोगों की ये श्रृंखला दी हुई है हमारी है, प्रश्न श्रृंखला आपको यह सामने दिख रही है, और इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें करने पर, यहाँ पर इस हमारी ये श्रृंखला को सीरीज को मतलब शुद्ध करने पर हमारा उत्तर यहाँ पर 42 प्राप्त होगा। तो इसमें से कौन सा हम ये ऑप्शन चूज करेंगे जो हमें 42 यहाँ पर प्राप्त हो जाए, तो आप लोग देखें, आप लोगों के पास यहाँ पर 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आप लोग बता पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा, और आपको 5 लोगों के पास शेयर करना है, और जो भी शेयर करेगा उसको पेटीएम पर 5 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे, जो भी 5 लोगों को शेयर करेगा, और उसका आपको स्क्रीनशॉट हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना है, या आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलते हैं, तो संभवतः आपने अभी तक इसे कर लिया होगा, तो चलते हैं हम अब आपको इसमें बताते हैं इसको किस तरीके से करना है। तो शुरुआत चलो पहले से करते हैं, पहले शुरुआत कर लेते हैं, देखें कौन सी इसमें कौन सा पहला ही सही हो गया, कौन जो कोई भी सही हो सकता है, तो चलो
शुरू करते हैं पहला। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। देखिए ये स्टार बने हुए हैं, ये हैं स्टार बने, बराबर में हमें 42 लेके आना है। तो देखिए 35, अब हमारा पहला कौन सा है, गुणा, गुणा है, फिर हमारे पास है 5। अब दूसरा हमारा कौन सा है, भाग है, भाग 7, फिर हमारा अगला कौन सा है, माइनस 2, फिर प्लस 19, बराबर क्या है 42। अब देखते हैं इसमें तो ये संतुलित कर पाता है या नहीं। तो देखिए बोर्ड मास्टर सूत्र क्या कहता है, पहले गुणा, पहले भाग, फिर गुणा है, या तो पहले ब्रैकेट हो तब तो आप ब्रैकेट हल करेंगे। तो देख लेते हैं पहले हमें क्या करना है, भाग करना है। तो भाग यहाँ पर हमारा है 7, तो 7 ऐसे तो हो नहीं सकता है, तो क्या करेंगे 35, तो हमारा ये देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे रख लेते हैं 35 गुणे 5, और इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ले आएंगे बटे में 7। अब यहाँ 7 एकम 7, 7 बचे 35, माइनस 2 प्लस 19 बराबर है क्या 42 चल रहा हमारा है। अब देखिए 5 गुणे 5 क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 मतलब 25, 5 हो जाएगा 25, और माइनस 2 प्लस 19 बराबर क्या है 42 है। अब देखिए 25 और 19 इनको प्लस करेंगे क्या बोलेंगे, 9 5 14 14 का है 4, 9 5 14 का 4, और यहाँ पर 2 1 3 3 1 4 कितना 44, 44। अब इसमें हमें क्या करना है, 2 माइनस करना है, यहाँ पर हमें 42 मिल जाएगा। तो हमें सिद्ध कर लिया है कि ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो गया, 42 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा पहला सही है, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा पहला सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस प्रश्न को करना है। तो चलते हैं देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये 4 है। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए हुए हैं, तो संभवतः आप लोगों को सबक समझ में आ रहे होंगे। तो देख लेते हैं, ये भी हमारा संख्या आधारित प्रश्न ही है, और इसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये हमारे 2 प्रश्न दिए हुए हैं, या प्रश्न ये हमारे 2 हैं, इनको आपको करके और इसमें से आपको देखना है कि इसी तरीके से कौन सा हमारा बन रहा है। तो आप चाहे देखिए ऐसा एक नियम होता है, अगर आपको लास्ट में कहीं पर बड़ी संख्या दिख रही है और 2 छोटी संख्या है, तो संभवतः यही होगा, या तो गुणा करके या प्लस करके कैसे भी हमारी बड़ी संख्या ही लानी होती है, इसका ये नियम ही होता है। आपको कहीं भी कोई बड़ी संख्या दे जाए तो आप ये समझ लीजिए कि 2 छोटी संख्या को गुणा करें या प्लस करें किसी तरीके से आपको सक्सेस लेके आना है। तो देख लेते हैं इसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो देखिए 16 को करेंगे प्लस, और यहाँ पर ब्रैकेट में 7 गुणे 3 कर लेंगे, 7 गुणे 3, और बराबर में हमारा 37 है। तो देखिए 16 प्लस 7 क्या है 21, 21 बराबर कितना हो जाएगा 37। देखिए 6 7 और 2 1 3, 37 हमारा मिल गया। इस तरीके से इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए 28 करेंगे प्लस, और 9 को करेंगे 3 से गुणा, 9 3 27, और बराबर में हमारा है क्या 55 है। तो देख लीजिए 28 प्लस 9 3 27, 8 7 15 के 5, और 2 2 4 1 5, 55। देखिए 55 हमें यहाँ पर भी प्राप्त हो गया है। अब देखिए इसमें से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं पहले से ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला देखिए पहला ऑप्शन हम चेक करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे इसको, 19 हमारा दिया हुआ है, प्लस करेंगे 6 को करेंगे 3 से गुणा, और बराबर में हमारा कितना है 36 है। तो देखिए 19 यहाँ पर है प्लस 9 6 18 18 हो गया। तो देखिए 9 8 कितना होता है, 9 8 17 17 के 7, और 2 1 2 2 और 1 हासिल 3 37। तो यहाँ पर 37 हो रहा है, यहाँ पर 36 है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही नहीं है। अब देख लेते हैं दूसरा, अब दूसरा देखते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं, चलो तीसरा देख लेते हैं। 20 प्लस 7 गुणे करेंगे 3, और बराबर में है 45। देखिए 20 का तो 20 ऐसे ही रहेगा, प्लस 7 का कितना होता है, 7 का होता है 21, तो अब जोड़ेंगे इसको तो ये कितना होता है 41, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी हमारा गलत है। अब देखते हैं चौथा, तो चौथा देख लेते हैं। 23 प्लस 8 की करेंगे 3 से गुणा, 8 3 24, बराबर में हमारे लाना है 48।
48 लाना है तो देखिए 23 प्लस 8 या 24, इनको हम जोड़ेंगे 4 3 7 और 2 2 4 47, तो यहाँ पर भी एक की कमी है, तो ऑप्शन नंबर डेफिनेटली हमारा 2 ही सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। देख लेते हैं, 13 प्लस 4 गुणे 3 बराबर 25, कितना है? 25 है, तो यहाँ पर 13 प्लस 4 तय कितना होता है 12, बराबर में क्या आ जाएगा, तो 3 2 5 और 2 1 1 2, तो 25, तो यहाँ पर हमें 25 प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलते हैं, हेलो मोटो, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे गलत जोड़े का चुनाव करना है, संख्या आधारित प्रश्न हमारा ये है, तो संख्या आधारित प्रश्न आज हमारे चल रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है गलत जोड़े का चुनाव आपको करना है, तो आप देखें इसमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है, इसको हमें यहाँ पर चूज करना है। तो देखते हैं, आपके पास 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड तक आप, चलो 20 सेकेंड आपके पास हैं, तब तक आप लोग इसे करके देखिए, आप लोग कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बताते हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा, तो संभवतः आप लोगों ने कर लिया होगा, तो तब तक हम आपको देखते हैं बताते हैं। तो आप हम चलेंगे नीचे से, चलते हैं नीचे से ऊपर तक, देखते हैं कौन सा जोड़ा हमारा गलत है या कौन सा सही है। तो सही कैसे पहचानेंगे, गलत कैसे पहचानेंगे, ये भी देखना है। तो देखिए यहाँ से किसको करते हैं, हमारे पास 25 है, तो देखिए 25 का हम क्या करेंगे, 25 का करेंगे वर्ग, 25 का वर्ग करने पर हम क्या प्राप्त होता है, 25 होता है 625, कितना होता है 625 होता है। देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, बीच में हमारे पास है 625, और इसमें से हम जब करेंगे 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 620 यहाँ पर प्राप्त होता है, जो हमारे पास यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो ये हमारी संतुलित है मतलब सही है। अगला देखते हैं, इसको देख लेते हैं, अब देखिए 20 का करेंगे जब हम वर्ग, 20 का वर्ग करेंगे तो 20 में सेम होता है 400, कितना होता है 400 होता है, और इसमें से हम 5 माइनस करेंगे, कितना करेंगे 5 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 395 हो जाएगा, जो यहाँ पर भी दिया है, तो ये भी हमारा सही है, ये दोनों सही हो गए। अब देखते हैं तीसरा, तो 10 है, 10 का करेंगे वर्ग, 10 10 होता है 100, कितना होता है 100 होता है, यहाँ पर हम करेंगे 5 माइनस, तो यहाँ पर होता है हमारा 95, तो 95 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 95 है, ये भी सही हो गया। तो संभवतः हमारा पहला ही गलत है, देखते हैं क्या गलत है। तो देखिए यहाँ पर 15 करेंगे हम वर्ग, 15 बताएंगे कितना होता है 225 होता है, कितना 225 होता है, और जब यहाँ से हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलना चाहिए हमें 220 प्राप्त होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 215 है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला गलत है। और पहला गलत क्या है, प्रश्न के माध्यम से पहला हमारा सही हो जाएगा, क्या है पहला हमारा सही हो जाएगा, क्या हमें करना था, हमें गलत जोड़े का चुनाव करना था, तो गलत जोड़ा हमारा कौन सा है, गलत जोड़ा हमारा पहला है। तो संभवतः आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, चलते हैं देख लेते हैं अगला प्रश्न, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो चले फिर तो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें हमें श्रृंखला को पूरा करना है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है श्रृंखला को पूरा करें, तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा, तो आप देखें और बताएं किसको किस तरीके से प्रश्न को करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 10 सेकेंड का समय है आपके पास, करके दिखाइएगा इसको, तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा, तो संभवतः आप लोगों ने कर लिया होगा, तो चलते हैं देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए ब्रैकेट शुरू करेंगे, 2 गुणे 3, क्या करेंगे 2 गुणे 3 माइनस करेंगे 2, तो देखिए 2 3 6 बराबर में यहाँ करेंगे 2 3 6 और यहाँ पर 2 करेंगे माइनस इसमें, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 4, तो ये हमारा 4 यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए इस संख्या को यहाँ भाग रख लेंगे 4 को कम करेंगे 4 3 12, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 2 माइनस, तो अब यहाँ देख लीजिए 4 3 12 माइनस 2 बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 10 प्राप्त हो गया, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसी संख्या को हम यहाँ पर उठा के लाएंगे फिर से, 10 गुणे 3 माइनस 2 करेंगे यहाँ पर भी, तो 10 क्या है 30 हो गया,
30 से हम यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो हमें 28 प्राप्त हो गया, 28 प्राप्त हो गया जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है। इसी तरीके से यही नियम हम फॉलो करते रहेंगे और 28 को हम यहाँ उठा के फिर से ले आएंगे और यहाँ पर हम इसको 3 से फिर से गुणा करवा देंगे और 2 माइनस करेंगे। अब करते हैं 8 3 24 का 4 और 3 2 6 6 और 6 2 8 84, 84 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा हमें 82, हमें हमारा उत्तर मिल गया। यहाँ पर हमें क्या करना है 82। अब आगे भी चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। तो देखिए 82 गुणे करेंगे 3 और इसमें करेंगे माइनस 2। देखिए 3 दूनी क्या होता है 6, 3 दूनी 6 और 8 3 24 24, तो यहाँ पर ये लिख लिया हमने। यहाँ पर 2 करेंगे माइनस तो हमारे पास 244 प्राप्त हो जाएगा, क्या 244 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हमें ढूंढना था 82, तो अब हमारा 2 4 10 28 82 और 242 ये श्रृंखला हमारी पूरी हो जाएगी। तो संभवतः आपको समझ में आया होगा। चलते हैं देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 7 मतलब क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ये हमारा फिर से संख्या आधारित पर क्वेश्चन ही है। तो संख्या आधारित पर क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, तो आप लोग इसमें देखेंगे ये हमारे 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इन दोनों प्रश्नों को हमें एक ही तरीके से करना है, एक ही तरीके से करना है और फिर इसमें हमें ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है। तो देख लेते हैं इसको पहले हमें संतुलित करना है, तो देख लेते हैं पहला संतुलित करते हैं पहले ही। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, देखिए 4 × 2 + 5 बराबर हमें 13 लाना है। हमने पहले आपको बताया था जहाँ अगर आपको किसी संख्या में अगर तीनों संख्या बड़ी बड़ी हैं तब तो दिक्कत पड़ेगी, अगर कोई एक ही संख्या बड़ी है तो उसी को हमें किसी भी किसी तरीके से ढूंढना है, कैसे हमें उसको बढ़ाना है। तो देखिए 4 × 2 होता है 8 और 5 इसमें करेंगे प्लस तो हमारे पास 13 मिलेगा जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ओके इस तरीके से इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3 × 2 ठीक है, 3 × 2 प्लस करेंगे 6 तो 3 × 6 और 6 + 6 = 12 हमारा प्राप्त हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें से हमें ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन इसी श्रृंखला पर आधारित मिलेगा हमें। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, देख लेते हैं पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा 7 × इसमें हमें करना है 2 7 × 2 और प्लस हमारा 3 है, 7 × 2 = 14 14 + 3 कितना होगा 14 × 3 = 17 तो यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 नहीं है इसलिए ऑप्शन हमारा पहला कट हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा है 4 4 × 2 4 × 2 प्लस करेंगे 3 तो 4 × 8 8 और 3 8 3 होता है 11 11 है यहाँ पर है 10 इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा है 5 5 × 2 5 × 2 प्लस करेंगे 7 तो 5 × 2 = 10 और प्लस में है 7 तो टोटल हमारा होगा 17 17 तो यहाँ पर 17 दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा इसमें सही है। क्या है ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो आज तक आप लोगों को ये प्रश्न हमारे सब समझ में आए होंगे। तो आज तक हमारा बस सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ और स्वस्थ सुरक्षित महसूस करें, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।